कड़ी मत खाओ, अभी अभी खांसी और सर्दी ठीक हुई है। अब इसमें जो डाटा है वो बस मेरे को अपने लैपटॉप में डालना है, सारे चीजें ट्रांसफर कर दूंगा और फिर ये फोन रेडी टू गो टू माय बिरादर। अभी भी शाम हो जाती, थोड़ा थोड़ा नशा करने का मूड होती। अभी भी हम लोग एक दिन हेल्दी खाती, फिर उसके अगला एक महीना तक अनहेल्दी खाती। कौन सी साड़ी पहनी जाए, मैं भी सोच रहा हूँ काक ले लूं। अभी भी हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलती, शादी मत करो कभी भी। अभी भी दाल की कचौड़ियाँ खाओ कभी भी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में। बिलवाड़ा में लड्डा जी का कचौड़ी फेमस होती, शास्त्री नगर में बहुत अच्छा कचौड़ी मिलती है। अभी हम सब लोग नाश्ता कर रहे हैं लाजवंती के दूध के चाय के साथ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 13 फरवरी और हमारा 30-day व्लॉग चैलेंज का day 13 और 13वां दिन भी हो गया। व्लॉग बन रहे हैं, धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, थोड़ा तेजी से बढ़ाओ, अच्छा लगेगा। सुबह सुबह सब लोग ब्रश करके रजाई में घुसे हुए हैं और खा रहे हैं कचौड़ियाँ। कड़ी मत खाओ, अभी अभी खांसी और सर्दी ठीक हुई है। कल फ्राइड कड़ी थी, फ्राइड कड़ी, थोड़े थोड़े योगर्ट करी, योगर्ट करी। बाची तुम नहीं खाती? बाची सबसे ज्यादा चालू होती, सबसे पहले खा के बैठ जाती, फिर सबको खाते हुए देखती कि थोड़ा थोड़ा और देती क्या। अभी भी हमारा छोटा बिरादर का फोन थोड़ा खराब हो चुकी होती तो हम अपना ये वाला फोन उसको कोरियर करती, तो उसी का कर रहा हूँ पैकिंग और कुछ कुछ चीजें और भेजनी है साथ में, तो ये सब चीजें पैक करके भी जाऊंगा कोरियर वाले के यहाँ और उसको भेज दूंगा। देखता हूँ DTDC से या फिर पोस्ट ऑफिस से, जहाँ से भी स्पीड पोस्ट हो और जल्दी एक दिन के अंदर पहुंच जाए उसके पास। वैसा कुछ जुगाड़ बिठाएंगे और जल्दी से भेजेंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैंने जो इसमें कल मिनी ब्लॉग शूट किया था वो मैंने एडिट कर दिया, वॉइस ओवर हो गया। अब इसमें जो डाटा है वो बस मेरे को अपने लैपटॉप में डालना है, सारे चीजें ट्रांसफर कर दूंगा और फिर ये फोन रेडी टू गो टू माय बिरादर। तो ये सारा मटेरियल पैक करके भेजना है इस डब्बे में, फोन मैं पैक करूंगा ये वाले डब्बे में और ये कपड़े वपड़े भी भेजने थोड़े से क्योंकि एक्स्ट्रा पड़े हुए, तो इसमें पैक करके भेज दूंगा। अभी बस लैपटॉप ऑन कर रहा हूं, फोन को करूंगा खाली, थोड़ा सा इसमें बहुत सारा मेरा मिनी ब्लॉग्स बनाया हुआ है तो उसको उसमें रख लेता हूं, बाद में काम आएगा। अभी भी हमारा बिरादर के वास्ते कोरियर रेडी होती, इसमें बस अभी नाम हम लिख के यहाँ पे अंदर डालती, एड्रेस वगैरह उसको भी पैक कर देती और इसको थोड़ा और पैक करना है। टेप तो लगा दी हूँ बढ़िया से, लेकिन थोड़ा और सील कर दूंगा ताकि आराम से उसके पास सामान पहुंच जाए, कपड़ा वपड़ा एंड अंदर है मोबाइल फोन। कुरियर हो गया तैयार, एड्रेस लिख दिया है सब बढ़िया से और अब बस जाके करना है इसको पोस्ट ताकि ये जल्दी से जल्दी भाई के पास पहुंच जाए और उसकी फोन वाली प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो। अभी भी कुरियर हो गया, अभी हम लोग आए घर वापस कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने और फिर जाना है कुछ काम करवाने के वास्ते। तो अभी भी हम लोग घर आ गए हैं वापस, हमारा काम वाम हो गया, हमें लेना था ड्राई क्लीनिंग से जैकेट और कुछ कोट में जो काम कराना था वो हो गया। तो वापिस आ गए, भूख लगी जोरों की, कुछ खाएंगे। क्या बना है रोजी आंटी? अभी भी हमारा रोजी आंटी आज हेमा मालिनी बन के रोटियां बनाती। हो गया सारे काम निपटा लिए, अब सबसे मेन काम पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो आज लंच में बना है पराठे, आलू गोभी की सब्जी एंड मुंह में देख के आती पानी। अभी भी अचार खाने का मन बहुत होती लेकिन इतना दिन से गला खराब होती, हम टेंशन में होती खाती कि नहीं खाती। तो अभी भी कमेंट करके बताओ कि अगर गला खराब होती तो अचार खाती कि नहीं खाती, बताओ बताओ। देवरानी जेठानी का प्यार, मासी को इतने प्यार से खिला रही रोजी आंटी पराठे, बाची ने खाना खा लिया। तो लंच करने के बाद वीडियो एडिट करके मैं सो गया था और अभी उठा हूँ, बज गए हैं 6:30। मेरा व्लॉग आ चुका है, मतलब मिनी व्लॉग आ चुका है, बड़ा व्लॉग आता है 9 बजे, वो अभी शेड्यूल करना बचा है, पहले अपलोड करना है फिर शेड्यूल करना है और क्योंकि फोन के डाटा करता हूँ तो थोड़ा लेता है टाइम, लेकिन जल्दी से लगा देता हूँ अपलोड में ताकि टाइम पे आ जाए वीडियो। कभी कभी लेट हो जाता है, जैसे कल लगभग 8 बजे मैं बैठा था वीडियो एडिट करने और मुझे पूरे 1.5 घंटे लगे वीडियो को एडिट करके अपलोड करके शेड्यूल करने में, तो 9 बजे की जगह कल 9:30 बजे वीडियो आई थी, लेकिन अब थोड़ा आज टाइम पे हो गया है काम तो अपलोड कर देना है टाइम पे। और अभी भी हम जिस फोन से शूट करती है उसमें व्लॉग एडिट करके जो व्लॉग बची होती है उससे वैसे हमारा फोन भर जाती है, तो हमको वापस अपना फोन खाली करने के लिए लैपटॉप में ट्रांसफर करना होती है हमारी व्लॉग्स को, ये काम भी करना जरूरी होती। और वैसे भी आदत हो गई थी 2 फोन से अलग अलग शूट करने की, मैं एक फोन से मिनी व्लॉग शूट करता था अपने सैमसंग वाले से और इससे करता था फुल व्लॉग शूट, तो वापस से वो हैबिट डालनी पड़ेगी कि सेम फोन से दोनों काम करने हैं, मतलब मिनी व्लॉग भी बनाना है और फुल व्लॉग भी बनाना है। अभी भी शाम हो जाती, थोड़ा थोड़ा नशा करने का मूड होती, तो अभी बनेगा चाय, चाय के साथ चखना क्या होगा उसका डिस्कशन चल रहा है। और हमारा दीदी उठनी बेच के सोती और बाकी सोशल मीडिया पे अपना फॉलोअर्स को हाय हेलो करती। अभी भी हम लोग एक दिन हेल्दी खाती, फिर उसके अगला एक महीना तक अनहेल्दी खाती। तो अभी रोजी आंटी ने ढेर सारे छाने पापड़ क्योंकि अभी बन रही है लाजवंती के दूध की चाय, तो लाजवंती के दूध की चाय पीते पीते पापड़ एंजॉय करेंगे। अभी भी चावल के बने हुए पापड़ खाओ कभी भी, चावल का होती तो हेल्दी होती, डीप फ्राई करती अनहेल्दी होती, तुम डिसाइड करती तुम क्या खाना चाहती, हमारा तो मूड होती हम चुपचाप खाती। अभी भी लाजवंती के दूध का चाय 5 मिनट बनकर तैयार होती, रोजी आंटी ने चाय बनाई, बाची को बोल बोल के थक गई लेकिन बाची नहीं उठी,
और मासी भी चाय एंजॉय कर रही है, हम लोग भी चाय एंजॉय कर रहे हैं। आप यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारा सब्सक्राइबर बढ़ाओ। अभी भी ऐसे तुम दुबई का बहुत बड़ा शेख होती, लेकिन सब्सक्राइबर के लिए बहुत भीख मांगना पड़ती, लेकिन तुम लोग सब्सक्राइब करके नहीं जाती। अभी चल रहा है बनारसी साड़ी सिलेक्शन, व्हाट्सएप पे भेजा है भैया ने साड़ियों की फोटो और सब जन बैठ के देख रहे हैं कि कौन सी साड़ी पहनी जाए। मैं भी सोच रहा हूँ काक ले ही लूं। एक सेकंड, सब लोग बोल रहे हैं कि अनु चाचू की साड़ियों की सिलेक्शन अच्छी है, मैं बोलता हूँ चॉइस तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अभी सब कोई हमको आधी घंटा तक समझाती कि शादी कर लेती, लेकिन लड़की का फोटो देखते रोजी आंटी हमको बोलती कि नहीं नहीं हम आपके साथ हैं, इस जगह नहीं डालेंगे, कहीं और करवाएंगे। हाँ मैं मंडप से भाग जाऊंगा फिर, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलती शादी मत करो कभी भी। अभी भी ऊपर वाला बचाती कभी भी। अभी भी दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ और चुपचाप सो जाओ। सो हबीबी, दिस इज गोइंग टू बी एंड ऑफ टुडेज व्लॉग। मिनी व्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना। और हमारा चैनल पे तुम पहली बार आती तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाती, वीडियो को लाइक करती, कमेंट करती, हमसे मिलने आओ कभी भी। एंड हबीबी, मिलते हैं कल शाम को, गुड नाइट, स्लीप टाइट। और हमारा तबीयत अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही होती, हमको अच्छा लगती लेकिन हम नजर नहीं लगाती, तो पूरा ठीक हो जाने तक हम थोड़ा सतर्क रहती, सुरक्षित रहती।